डियर स्टूडेंट, और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो हम यहाँ पे अपनी एनवायरनमेंट की जो क्लास है उसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके हर एग्जाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, एमपी टेट हो, सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यावरण को लेके। तो शुरुआत करते हैं हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। जैसा कि हम आपसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? यहां पर जो एनवायरनमेंट का शब्द है एनवायरोनेर, ये शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, इसका सही जो आंसर है आपका, ये है आपका डी। यानी हम कह सकते हैं कि एनवायरोनेर जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ फ्रेंच भाषा में क्या होता है, इसका अर्थ होता है पड़ोस। और इसी से वर्ड बना है एनवायरमेंट, जो कि एक अंग्रेजी शब्द है और जिसका अर्थ होता है आस पड़ोस। तो हम कह सकते हैं कि जो भी चीज हमारे आस पड़ोस में पाई जा रही है वो सभी शामिल की जाती है एनवायरमेंट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर था आपका डी। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए टू, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं कौन कौन से? घटक ऐसे हैं जो पर्यावरण के घटक हैं, जैसे कि ए ऑप्शन देखिए प्राकृतिक घटक, बी ऑप्शन मानव निर्मित, सी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपके पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं वो पूछे हैं। तो यहां पर जिसका सही जो आंसर रहेगा आपका, ये रहेगा आपका सी, यानी दोनों, यानी पर्यावरण के दोनों घटक हैं यहां पर, प्राकृतिक भी और मानव निर्मित भी। आपको बताया था मैंने कि पर्यावरण के जो प्राकृतिक घटक हैं उनके अंदर क्या आएगा, जीव जंतु आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे और सूक्ष्म जीव आएंगे। और पर्यावरण के जो मानव निर्मित घटक हैं या जो मानवीय घटक हैं आपके, वो सभी चीजें आएंगी जो मानव ने खुद निर्मित की हैं, जैसे कि इमारतें, मकान, पुल, सड़क, रिश्ते, नाते, संस्कृति, परिवार, ये सभी कैसे हैं, ये सभी पर्यावरण के मानव निर्मित घटक हैं। तो दोनों शामिल किए जाते हैं इसमें। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन देखिए, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जैसे क्वेश्चन इसने पूछा है कि ताप, मृदा, प्रकाश, ये जो पर्यावरण घटक है किसके अंतर्गत आता है? तो इसका ए ऑप्शन है जैविक, भौतिक, मानव निर्मित, या फिर कोई नहीं। अगर जैविक होता तो यहाँ पे पेड़ पौधे होते, और मानव निर्मित होता तो यहाँ पे इमारतें, पुल, सड़क होता आपका। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ताप, मृदा और प्रकाश है, तो इसलिए कह सकते हैं इसका सही आंसर क्या है, बी भौतिक। यानी ताप, मृदा, प्रकाश, नमी, जल, वायु, ये सभी क्या हैं, ये पर्यावरण के कैसे घटक हैं, भौतिक घटक हैं या अजैविक घटक हैं, जो कि निर्जीव हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपना नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? यहां पर पर्यावरण के चार क्षेत्र बताए गए हैं आपको, देखो, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो यहां पर जो पर्वत पठार है किसका भाग है? तो यहां पर जो स्थल मंडल या फिर जल मंडल या वायुमंडल या जैव मंडल, इसमें से सही आंसर क्या रहेगा बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर जो है ए है, यानी स्थल मंडल, यानी कह सकते हैं पर्वत पठार मैदान घाटी ये सभी पार्ट है किसके, स्थल मंडल के। अगर यहाँ पर होते आपके झील, नदी, सागर, महासागर, ये सभी पार्ट होते हैं आपके जलमंडल के। और अगर यहाँ पर होते हैं आपकी गैसें, वायु, जलवाष्प, बादल, ये सभी पार्ट होते हैं आपके वायुमंडल के। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता है आपका पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, ये सभी पार्ट होते हैं किसके, जैव मंडल के। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच देखिए, पृथ्वी का दो तिहाई भाग कौन सा मंडल है? दो तिहाई भाग जो है पृथ्वी का वो कौन सा मंडल है, स्थल मंडल है या जल मंडल है या वायुमंडल है या फिर जैव मंडल है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, कोशिश करिए बताइए। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा ये है आपका बी, यानी जल मंडल। तो कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो दो तिहाई भाग जो है वो क्या है, वो जल मंडल है, जबकि इसका जो एक तिहाई भाग है वो क्या है, ये स्थल मंडल है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए,
धूल के कण और जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, स्थल मंडल या जल मंडल या वायुमंडल या फिर जैव मंडल? तो इसका सही जो आंसर है आपका ये है वायुमंडल, यानी धूल के कण जलवाष्प किसका पार्ट है, ये वायुमंडल का पार्ट है। ये जो वायुमंडल है इस वायुमंडल को तापमान के आधार पर डिवाइड किया गया है 5 परतों में, और पृथ्वी से नजदीक का जो क्रम है परतों का उसमें आती है क्या, क्षोभ मंडल आती है, उसके ऊपर की जो परत समता मंडल आती है, उसके ऊपर की परत जो मध्य मंडल है वो आती है, उससे ऊपर की परत ओजोन मंडल वो आती है, और उससे ऊपर की जो परत है आपकी वही मंडल वो आती है यहाँ पर, ठीक है। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ओजोन मंडल और आपका वही मंडल। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला जो सम्मेलन हुआ था पर्यावरण को लेके वो कब हुआ है बताइए, वो हुआ है 1972 में। यानी इसका सही आंसर क्या रहेगा बताइए, सी, बिल्कुल इसका सही जो आंसर है सी है, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन देश में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहला प्रयास था जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए योजना तैयार की गई। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। किस सम्मेलन में यह अनाउंसमेंट की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाए? यानी कि 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाए, ऐसी बात जो है ये कहां पर की गई, स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरियो में, हेलसिंकी में या क्योटो में? बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही जो आंसर है आपका ये है स्टॉकहोम, यानी ए। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाया जाए विश्व पर्यावरण दिवस, ऐसी बात जो थी ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था 1972 में उसमें कही गई थी, तो इसका सही आंसर है आपका स्टॉकहोम। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया था, वो वर्ष पूछा है इसने हमसे। तो यहां पर जो एजेंडा 21 है आपका ये पर्यावरण के लिए और पर्यावरण के सतत विकास के लिए एक महाआदेश है आपका, जो कि पारित किया गया था आपका पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका सही जो आंसर है आपका यह है 1992, यानी कह सकते हैं कि 1992 में एजेंडा 21 जो महाआदेश था वो पारित किया गया था, वो उसकी अनाउंसमेंट की गई थी पृथ्वी सम्मेलन के दौरान, जो कि पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था, ये जो ब्राजील का जो शहर है रियो डी जेनेरियो में, यहां पर हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही जो आंसर है यह है आपका आंसर ए, यानी 1972। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो की गई है वो 1972 में की गई है, शुरुआत तो 1970 से हो गई थी, लेकिन जो जिससे प्रॉपर इस आंदोलन को एक जमीन मिली है वो 1972 है ये, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण हेतु एपीको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था? यहां पर जो एपीको है, एपीको जो है आपका यहां पर, तो एपीको मतलब होता है चिपकना, तो एक तरह से चिपको आंदोलन का एक रूप है एपीको आंदोलन, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या केरल राज्य या फिर उत्तराखंड राज्य, बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है आपका यह है कर्नाटक राज्य, यानी एपीको आंदोलन की शुरुआत जो हुई है ये कर्नाटक राज्य में हुई है आपका, जो कि एक चिपको आंदोलन का ही एक रूप था ये एपीको आंदोलन, ठीक है। और इसके जो नेता रहे हैं वो पांडुरंग हेंगड़े रहे हैं। दक्षिण भारत में जो चिपको आंदोलन जैसा जो आंदोलन था वो एपीको आंदोलन था, जो कि कर्नाटक राज्य में किया गया था। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाबा आमटे और मेधा पाटेकर
किस आंदोलन से संबंधित हैं या इनका संबंध जो है किस आंदोलन से है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, गंगा स्वच्छ अभियान से है, चिपको आंदोलन से है या एपिको आंदोलन से है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, इसका सही जो आंसर है ये है ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन था वो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में किया जा रहा था, मध्य भारत में हुआ है, मध्य प्रदेश में ये आंदोलन हुआ है आपका। और इसके जो प्रमुख नेता हैं ये बाबा आमटे और मेधा पाटेकर हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका ए ऑप्शन है, देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए, या फिर पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को दिया जाता है या किसी व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। सी ऑप्शन देखिए, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को दिया जाता है या फिर वनीकरण और बंजर भूमि के विकास के लिए दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ये रहेगा आपका सी, यानी यहाँ पर जो राजीव गांधी पर्यावरण जो पुरस्कार है ये पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए औद्योगिक संस्था को दिया जाता है। जबकि इससे पहले मैंने एक पुरस्कार आपको और बताया था आपका, अगर क्वेश्चन पूछे कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ए वाला, यानी कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार अतुलनीय योगदान के लिए किसी व्यक्ति को दिया जाता है, किसी व्यक्ति विशेष को जो पुरस्कार मिलता है पर्यावरण के लिए वो इंदिरा गांधी वाला है। ठीक है, एक और बताया था मैंने आपको, इंदिरा प्रिय दर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार जो होता है आपका ये वनीकरण और बंजर भूमि के विकास के लिए दिया जाता है। इस सारे पुरस्कार की मैं जानकारी आपकी क्लास में कर चुका हूं पहले। ठीक है, तो ये वनीकरण और बंजर भूमि के विकास के लिए पुरस्कार दिया जाता है उसको बोलते हैं इंदिरा प्रिय दर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, पृथ्वी जो दिवस है अर्थ डे है कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 3 अक्टूबर को, 22 मई को या फिर 26 नवंबर को, बताइए। इसका सही जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा आपका 22 अप्रैल, यानी पृथ्वी दिवस मनाते हैं कब, 22 अप्रैल को। जबकि अगर यहां पे पूछा है 3 अक्टूबर की भी पूछ रहा है, अगर 3 अक्टूबर कोई दिवस होता है कि नहीं होता, तो यहां पर जो 3 अक्टूबर है हम मनाते हैं विश्व प्रकृति दिवस मनाते हैं हम लोग 3 अक्टूबर को। जबकि यहां पर जो 22 मई है 22 मई को मनाते हैं हम लोग विश्व जैव विविधता दिवस, इसे मनाते हैं हम लोग 22 मई को। जबकि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, मनाते हैं हम लोग 26 नवंबर को। तो ऐसे बहुत सारे डे हैं आपके जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर वो 21 मार्च है तो विश्व वन दिवस होगा, अगर 22 मार्च है तो वो जल दिवस होगा, और 22 अप्रैल है आपका तो वहाँ पर वो पृथ्वी दिवस होगा, और 22 मई है तो जैव विविधता दिवस होगा, 5 जून है तो विश्व पर्यावरण दिवस होगा आपका, और 11 जुलाई है तो विश्व जनसंख्या दिवस होगा आपका। ठीक है, 29 अगस्त है तो विश्व खेल दिवस होगा आपका। तो ऐसे बहुत सारे दिवस मैंने आपको बताए हैं पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, वन्य प्राणी सप्ताह मनाते हैं हम लोग प्रतिवर्ष। देखिए ए ऑप्शन है 1 से लेकर 7 जुलाई, बी ऑप्शन है 1 से लेकर 8 जुलाई, सी ऑप्शन है 1 से लेकर 7 अक्टूबर, और डी ऑप्शन है 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका सही आंसर है आपका सी, यानी 1 से लेकर 7 अक्टूबर को मनाते हैं क्या, वन्य प्राणी सप्ताह। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच
हम सेलिब्रेट करते हैं वन महोत्सव को, और 1 से लेके 7 अक्टूबर के बीच हम मनाते हैं क्या है, वन्य प्राणी सप्ताह। ठीक है, जबकि 19 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर को हम बनाते क्या हैं, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, ये मनाते हैं हम लोग 19 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच। तो यहां पर इसका सही जो आंसर था वो क्या था, सी था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही जो आंसर है आपका ये होगा आपका बी, यानी रियो डी जेनेरियो, यानी कि रियो डी जेनेरियो जो शहर है ये ब्राजील में है, और यहां पर एक पृथ्वी आंदोलन हुआ था जो कि कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें क्या बताया गया, पृथ्वी आंदोलन में क्या बताया गया कि एजेंडा जो 21 है उसको पास किया गया, और इसी दौरान 22 मार्च को मनाया जाए विश्व जल दिवस, ऐसी भी बात कही गई यूएन कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो ये था आपका पृथ्वी दिवस कहां मनाया गया, रियो डी जेनेरियो शहर में। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं कहां पर, बताइए स्थल मंडल में या फिर जल मंडल में या फिर वायुमंडल में या फिर प्रकाश मंडल में। तो जैसा कि आपको पता है कि अधिकतर जो पेड़ पौधे हैं ये पाए जाते हैं कहां पर, स्थल मंडल में। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच एक अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है, प्राकृतिक सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है, वनों की कटाई है, शिकार है, या फिर निर्माण कार्य है, या फिर सभी हैं। तो इसका सही जो आंसर रहेगा ये रहेगा उपयुक्त सभी। तो प्राकृतिक नेचुरल सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का उदाहरण है वो है आपका उपयुक्त सभी है। वनों की कटाई करना, प्राकृतिक, शिकार, निर्माण कार्य, सभी इसमें शामिल किए जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वन मंत्रालय ने 1992 में 3R दिए हैं, तो यहां पर जो 3R हैं आपके वो कौन से हैं, बताइए। ए ऑप्शन है कम उपयोग करिए, पुनः चक्रण होने दीजिए और पुनः निर्माण करिए, या फिर पुनः उपयोग करिए, पुनः संरचना या पुनः निर्माण, या फिर कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, या फिर कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका सही जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका सी, यानी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, यानी कि जो पर्यावरण का जो वन मंत्रालय है आपका, पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है उसने हमें 3R दिए हैं। 3R की अगर बात करें तो पहला जो R है ये है आपका रिड्यूस, दूसरा R है रिसाइकल, और तीसरा आ रहा है आपका रीयूज, जिसे आप कह सकते हैं कि कम उपयोग और पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, ये थ्री जो आर हैं ये हमें किसने दिए हैं, जो भारत का जो पर्यावरण जो वन मंत्रालय है उसके द्वारा दिए गए हैं 3R 1992 में। अपनी कोई नीति थी उस नीति के तहत ये 3R दिए गए हमें, यानी पर्यावरण बचा रहेगा उसको कम उपयोग करिए, कुछ चीज अगर ली है आपने पर्यावरण से तो उसका पुनः चक्र होने दीजिए और उसका पुनः उपयोग करते रहिए, ये हैं आपके पर्यावरण के 3R। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, पृथ्वी का जो डीकम्पोजर है जो अपमार्जक है वो कौन है, ए जीवाणु व कवक, बैक्टीरिया और फंगस, बी ऑप्शन मृदा व जल, सी ऑप्शन पशु, और डी ऑप्शन पक्षी।
तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो पृथ्वी का जो अपमार्जक है आपका, वो है आपका जीवाणु व कवक। तो यहां पर जीवाणु कवक जो हैं, ये पृथ्वी के अपमार्जक हैं आपके, पृथ्वी के अपमार्जक माने जाते हैं ये। तो पृथ्वी का जो अपमार्जक है कौन है? जीवाणु और कवक। ठीक है, तो ये आपने देखा, हमारी 20 क्वेश्चन की जो श्रृंखला थी वो आपने देखी। तो इन क्वेश्चन को करिएगा, प्रैक्टिस करिए, ये सारे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये वहाँ से क्वेश्चन लाए गए हैं आपके। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो अगर बात करें हम लोग, आप चाहें तो हमारा जो एपेक्स का जो ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर कोई भी कोर्स की जानकारी, नोट्स की या शीटों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो एपेक्स का जो ऐप है, ये एपेक्स करियर क्लासेस के नाम से है, प्ले स्टोर में जाके आपको मिल जाएगा। और जो लोगो है, लोगो देखो, लोगो ए वाला लोगो होगा उसमें। ठीक है, अगर आप चाहें तो हमको फेसबुक पे भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एपेक्स करियर क्लासेस आगरा के नाम से। अगर आप पहली बार आए हैं तो YouTube हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपके जो शीट हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, पेपर हैं, वो भी आपको मिल सकते हैं। और आप चाहें तो हमको WhatsApp पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी आपकी कुछ खास। तो हमारी जो वीडियो है वो यहीं तक रहती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आएंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।